हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंसी से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंसी सिलेक्शन, पोटेंसी का प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें होम्योपैथ्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले जाना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन क्या है, पोटेंसीज क्या होती हैं, किस तरह से उनका प्रिपरेशन होता है, राइट? सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पोटेंसी। पोटेंसी डिनोट्स द पावर ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन। पोटेंसी डिनोट्स द पावर ऑफ मेडिसिन। पोटेंसी का मतलब है कि मेडिसिन का क्या पावर है, किस ताकत में, किस पावर में मेडिसिन बनाई जा रही है या दी जा रही है। डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन। डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है, जहाँ पे हम आगे सक्शन और ट्राइचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिन अगर डायल्यूट है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो टू मेथड्स आर देयर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और वहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है, राइट? तो जो मेडिसिन है उसकी पोटेंसी क्या होती है, पावर ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन की पावर है, और उसको किस तरह बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन, या उसी को डायनामाइजेशन बोलते हैं। द मेडिसिनल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट ग्रेड ऑफ मेडिसिनल पावर एज डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन आर कॉल्ड द होम्योपैथिक पोटेंसीज। फिर से सुनिए, उसे अच्छे से समझे। द मेडिसिनल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट ग्रेड ऑफ मेडिसिनल पावर। डिफरेंट ग्रेड है जो मेडिसिनल पावर के, लाइक आप 30, 200, 1 mm, x में यूज़ करते हैं हम, है ना, इस तरह से पोटेंसीज यूज़ करते हैं। तो ये जो बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ही प्रिपेयर की जाती है, और इसी को बोलते हैं होम्योपैथिक पोटेंसीज इन डिफरेंट डिग्रीज। दे आर द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डायल्यूशन फॉलोड बाय द ट्राइचुरेशन और सक्शन। ये जो पोटेंसीज होती हैं ये एक सीरीज की तरह बनाई जाती है, जिस तरह से आप 30, 200, 1 mm पढ़ते हो, या x में 1x, 2x, 3x, इस तरह से हम जाते हैं ना पोटेंसीज पढ़ते हैं। तो ये जो पोटेंसीज बनाई जाती है, ये जब पोटेंटाइजेशन किया जाता है उसमें सक्शन सक्शन जहाँ पे डाइल्यूट सब्सटेंसेस यूज करते हैं, या ट्राइचुरेशन जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंसेस को ट्राइचुरेट करके रब, मिक्सिंग, स्क्रबिंग, ये प्रोसेसेस हैं, आगे पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा बनाई जाती हैं, राइट? मोर एवर, और देखें तो हैनीमैन ऑल्सो एक्सप्रेस द यूजलेसनेस ऑफ पोटेंटाइजेशन इन हिज बुक ऑन क्रॉनिक डिजीजेस थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ। सो नॉट ओनली डू दिस मेडिसिनल सब्सटेंसेस देयर बाय डेवलप देयर पावर इन द प्रोडिजिनस डिग्री, सिर्फ पावर नहीं बढ़ता, बट दे ऑल्सो चेंज देयर साइक फिजियो केमिकल डेमेन्योर इन सच अ वे दैट इफ नो वन बिफोर कुड एवर परसीव इन देयर क्रूड फॉर्म एनी सॉल्युबिलिटी इन एल्कोहल और वाटर, आफ्टर दिस पिक्यूलियर ट्रांसम्यूलेशन दे बिकम होली सॉल्युबल इन बट वाटर एज वेल एज इन एल्कोहल। देखिए, सिर्फ इससे मेडिसिन की पावर नहीं बढ़ती है, उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं होती वो भी वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। अपने किसी क्रूड फॉर्म में अगर आप किसी मेडिसिनल सब्सटेंसेस को उठाते होंगे, आइदर हर्ब या एनिमल, जहाँ से भी आप, जो जिस भी सोर्सेस से आप यूज़ कर रहे हो, वो मेडिसिन का फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, जहाँ पे कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्युबल में भी चेंज हो जाता है। देखिए कितना ड्रास्टिकली काम किया जाता है प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन में। हम सोर्स बुक से कर रहे हैं। सो डाइल्यूशन देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। डाइल्यूशंस मीन्स एक्ट ऑफ मिक्सिंग वन सब्सटेंसेस विद द व्हीकल एज सो एज टू डिमिनिश इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड हेंस इट्स एक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको व्हीकल के साथ ऐड किया जाता है। व्हीकल क्या होता है, एक माध्यम होता है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन को, उसकी मात्रा को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। एक कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा है जो क्रूड फॉर्म में ढेर सारी मात्रा है, तो उसको व्हीकल ऐड करके उसको डाइल्यूट किया जाता है। व्हीकल जैसे हम शुगर ऑफ मिल्क यूज़ करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं, या आगे चल के हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, प्योरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं, वो सिर्फ क्यों करते हैं, हम उसको डाइल्यूट करने के लिए। क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर हम क्रूड फॉर्म में यूज़ करते हैं, डायरेक्टली जो सोर्स से हम कलेक्ट किया हमने उसको यूज़ करते हैं, तो उसका जो एक्शन है वो पॉइजनस तो होता ही होता है, साथ में बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं उसमें, है ना। क्रूड फॉर्म में मेडिसिन हम यूज़ नहीं करते। वी प्रिपेयर्ड मेडिसिन एंड प्रूफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो कैसे करेंगे, व्हीकल ऐड करके, है ना। व्हीकल, व्हीकल आप ये मत समझिएगा जो व्हीकल्स गाड़ी मोटर चलते हैं, माध्यम है व्हीकल भी, जो उनका नाम क्यों व्हीकल दिया, वो भी माध्यम है, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। सिमिलरली हमारी मेडिसिन में हम व्हीकल यूज़ करते हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा है उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में करेंगे, लिक्विड फॉर्म में करेंगे, डाइल्यूशन जो बनाएंगे तो वहाँ पर हम एल्कोहल, प्योरीफाइड वाटर ऐड करते हैं, इस तरह से हमारी मेडिसिन जो है प्रिपेयर की जाती है। वी आर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ
पोटेंटाइजेशन और मेकिंग पोटेंसीज ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ओके, हैनीमैन डिस्कस डाइल्यूशन एज फॉलोज. हैनीमैन सर की बुक से ही मैं पढ़ रही हूँ, तो उनके सोर्सेज, उनके वर्ड्स में देखिए कितने सही तरीके से उन्होंने बताया है. अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड बिटर सब्सटेंसेज बिकम्स कंटिन्यूअली मोर डिप्राइव ऑफ इट्स टेस्ट एंड मोर वाटर इज एडेड. अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड बिटर सब्सटेंसेज बिकम्स कंटिन्यूअली मोर डिप्राइव्ड ऑफ इट्स टेस्ट एंड मोर वाटर इज एडेड. जब भी सोल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट का या किसी जो भी बिटर सब्सटेंसेज हैं, बहुत सारी मेडिसिन है हमारी जो बिटर पॉइजनस है, लाइक नक्स फॉर्मिका, स्ट्रामोनियम, हाइओसाइमस, इनकी जब प्रिपरेशन, बेलाडोना, इनकी जब प्रिपरेशन की जाती है, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको और उनके टेस्ट में चेंज करने के लिए, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उनकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें वाटर ऐड किया जाता है या एल्कोहल ऐड किया जाता है. इवेंचुअली इट हैज़ हार्डली एनी टेस्ट. ओके, नो मैटर हाउ मच इट मे बी शेकन. सो ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ कलरिंग मैटर बाय द एडमिक्सचर ऑफ मोर एंड मोर वाटर बिकम्स एट लास्ट कलरलेस एंड मे अमाउंट ऑफ शेकिंग विल नॉट इंक्रीज इट्स कलर. जिस तरह से प्रोसेस ऑफ शेकिंग करेंगे, मेडिसिन को जितना ज़्यादा शेक करते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा कलरलेस हो जाएगा. आप पीछे देख रहे हो रेमेडीज रखी हुई हैं, तो डाइल्यूशन जो लिक्विड होता है, डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन को बनाने के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं उसको कलरलेस करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए प्रोसेस ऑफ सक्शन का यूज़ किया जाता है. डिफरेंस बिटवीन पोटेंसी एंड डाइल्यूशन देख लें आप, पोटेंसी और डाइल्यूशन में डिफरेंस क्या है. By simple dilution of the medicine with larger amount of vehicle, its powder cannot be raised. Rather, the internal strength is diminished. Okay? By the simple dilution of the medicine with larger amount of vehicle, its power can be raised. Okay? Or next, but the potency of a medicine is a result of dilution and the process of trituration and suction. ठीक है? Potency क्या होती है? पोटेंसी क्या होती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन के थ्रू, जिसमें ट्राइचुरेशन और सक्शन होते हैं, उनके द्वारा पोटेंसीज बढ़ाई या घटाई जाती है. राइट, और डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन एक जो भी आपका मेडिसिन का जो भी डाइल्यूशन होगा उसको बनाने के लिए उसमें व्हीकल ऐड किया जाता है, अमाउंट ऑफ व्हीकल, इट्स पावर कैन बी रेस्ड, उसका जो पावर है वो रेज किया जा सकता है और भी बढ़ाया जा सकता है डाइल्यूशन में. लेकिन यहाँ पे पोटेंसी जब बनानी है आपको तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंटाइजेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें ट्रैचुरेशन एंड सक्शन, ये दोनों जो हमारी प्रोसेस है उनको यूज़ किया जाता है. सो पोटेंसी इक्वल टू क्या होता है, डाइल्यूशन प्लस ट्रैचुरेशन एंड सक्शन. ओके, सो ये आज का टॉपिक था.